सर, मैं महिमा शर्मा, स्वागत है आपका डेली इंसाइडर में। उत्तर प्रदेश में कोविड की तर्ज पर डेंगू और मलेरिया रोकने के लिए अभियान शुरू किया गया है। जिस गांव में डेंगू के दो या इससे अधिक मरीज मिलेंगे, वहां बुखार से पीड़ित लोगों की स्क्रीनिंग करके लक्षण वालों की जांच कराई जाएगी। इसके लिए टीमें गठित की गई हैं। वहीं पूरे गाँव में डेंगू व मलेरिया रोधी अभियान चलाया जाएगा। इस संबंध में सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। डेंगू और मलेरिया के मरीजों का 100% पंजीकरण करने के भी निर्देश दिए गए हैं। सरकारी के साथ निजी पैथोलॉजी को भी पोर्टल पर मरीजों की संख्या दर्ज करना अनिवार्य किया गया है। डेंगू के सर्वाधिक 482 मरीज गौतम बुद्ध नगर जिले में मिले हैं। गाजियाबाद में 404, लखनऊ में 334, कानपुर नगर में 289, मेरठ में 231, मुरादाबाद में 158, अलीगढ़ में 129 और वाराणसी में 105 मरीज मिले हैं। अन्य जिलों में मरीजों की संख्या 100 से कम है। डेंगू से गौतम बुद्ध नगर में 3 और गाजियाबाद व फिरोजाबाद में 1-1 मरीज की मौत हुई है। वहीं हरदोई में 4998, बरेली में 1481, बदायूं में 805, शाहजहापुर में 309, सीतापुर में 259, पीलीभीत में 189, संभल में 139 और कानपुर देहात में 102 मलेरिया के मरीज मिले हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस तरह के अभियान से डेंगू और मलेरिया को रोकने में किस तरह से मदद मिलेगी। इसी को जानने के लिए डेली इंसाइडर की टीम राजधानी स्थित सिविल हॉस्पिटल पहुंची और चीफ फार्मासिस्ट सुनील यादव से खास बातचीत की। चीफ फार्मासिस्ट सुनील यादव ने बताया कि डेंगू भी कुछ इस तरह की बीमारी है जो तेजी से फैलती है। इस तरह के अभियान चलाने से ये फायदा मिलेगा कि हम डेंगू के मच्छरों को सीमित कर देंगे और इस इलाके से बाहर बीमारी नहीं फैलने देंगे। डेंगू भी कुछ इस तरीके की बीमारी है जो अगर एक एरिया में हो गई तो आसपास के मच्छर अगर उस मरीज को काटते हैं, फिर दूसरे मरीज को काटते हैं, तो ये बहुत तेज़ी से स्प्रेड होता है। दूसरा क्या है कि अगर हमको ये पता चल गया कि इस एरिया में ये मरीज निकल रहा है, इसका मतलब कि वहाँ पर डेंगू के मच्छर पाए जा सकते हैं। तो इसलिए जो अभी सरकार की स्कीम है, और सरकार बिल्कुल गंभीर है इस मामले में कि डेंगू के पेशेंट को जल्दी से जल्दी उनको पहचान लिया जाए, तो स्क्रीनिंग करने के लिए ये एक प्रोग्राम दिया गया है कि अगर किसी क्षेत्र में दो या दो से अधिक मरीज पाए जाते हैं तो उसको स्क्रीनिंग कर ली जाए, उस एरिया के लोगों की जांच कर ली जाए और जांच करके वहाँ पे विशेष प्रबंध करके मच्छरों को मारने का प्रबंध, अगर किसी को फीवर आ रहा है तो उसकी विशेष जाँचें जिससे हम डिफाइन कर ले जाएँ, डायग्नोस कर ले जाएँ कि वो उसको डेंगू नहीं है। अगर डेंगू नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर डेंगू है तो उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। और लगभग हर चिकित्सालय में डेंगू के लिए अलग से वार्ड बना दिए गए हैं और उनको अलग रख करके मरीजों को मच्छरदानी के अंदर रखा जा रहा है जिससे वो दूसरे को स्प्रेड ना हो। देखिए, डेंगू कोई ऐसी बीमारी नहीं कि जिससे बहुत गंभीरता आ जाए, लेकिन उससे बचने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है और सावधानी ही इलाज है। अगर हमने पहले से डायग्नोसिस कर लिया तो दूसरे पेशेंट को फैलेगा नहीं, एपिडेमिक के रूप में नहीं जाएगा, तो इसलिए सरकार इस पर गंभीर है। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि कोविड की तर्ज पर यह अभियान चलाने का क्या मतलब है। सुनील यादव ने बताया कि इस पूरे अभियान में या फिर कोविड के खिलाफ शुरू की गई जंग में सबसे महत्वपूर्ण था कि हम चेन फॉर्मेशन के तहत अपना काम करें। इस अभियान को डीपली देखा जाए तो हम पर्टिकुलर उस एरिया में काम करेंगे जहां डेंगू का मरीज पाया गया है। कोविड की तर्ज का मतलब चेन बना करके, बेसिकली हमारा कहना यह है या सरकार का कहना जो है कि वो एक चेन बना करके हम तेज़ी से काम करेंगे और पर्टिकुलर उस एरिया पे काम करेंगे जहाँ पे डेंगू का मरीज निकला है। तो निश्चित रूप से अगर हम किसी भी रोग को उस एरिया में ही दबोच लेते हैं कि उसको फैलने नहीं देते हैं, तो आप मानिए कि इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा और वो रोग बढ़ेगा नहीं। तो ये इसके पहले भी हम लोगों ने चेन के रूप में देखिए पोलियो में काम किया। भारत का जो स्वास्थ्य सेवाएँ हमारी हैं वो आज पोलियो को हम लोग इरेडिकेट कर ले गए हैं, तो उसका कारण ये था कि हम चेन के तहत काम किए और पूरे भारत में एक भी बच्चा अगर छूटा तो पोलियो चक्र छूटा, इस नारे के साथ काम किया जा रहा था। और आज देखिए आपके पोलियो इरेडिकेट हो चुका है। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से सरकार की रणनीति है, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के निर्देश हैं कि बहुत तेज़ी के साथ इस रोग पर काबू पा लिया जाएगा, इस रोग का स्प्रेड नहीं होने देंगे। डेंगू और मलेरिया के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े सभी लोगों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। चीफ फार्मासिस्ट ने बताया है कि चिकित्सालय पूरी तरह से तैयार है, हमारे पास औषधियों की कमी नहीं है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी नागरिकों की है, अगर वे सही समय पर इलाज करवाने आते हैं तो सही देखरेख व इलाज से वो बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। देखिए, चिकित्सालय पूरी तरीके से तैयार है, औषधियाँ सभी हैं। और डेंगू के बारे में आपको एक चीज बता दूं कि डरने की जरूरत नहीं है, बस जाँच रेगुलर हो जाए। आवश्यक जो डेंगू का प्रोटोकॉल है वो हमारे सभी चिकित्सकों को, सारे पैरामेडिकल्स को मिला है, वो लोग पढ़ लिए हैं। उस प्रोटोकॉल के तहत हमको मरीज को वॉच करने की ज़रूरत है,
अगर प्लेटलेट्स बहुत डाउन होता है तो हम पहले उसको पानी के द्वारा उसको कोशिश करते हैं, आई वी सलाइंस के द्वारा कि उसको कंट्रोल करें, और उसके उससे ज़्यादा अगर प्लेटलेट्स डाउन होता है तो प्लेटलेट्स चढ़ा करके हम उसको कंट्रोल कर लेते हैं। इसमें कोई ऐसी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बस पहचानने की ज़रूरत है कि मरीज पहचान में आ जाए और मरीज़ का ट्रीटमेंट समय पर शुरू हो जाए और समय पर चिकित्सालय पहुँच जाए। इसलिए ये जो अभी सर्चिंग चल रही है या स्क्रीनिंग का प्रोग्राम दिया गया, वो इसीलिए है कि हम मरीज़ तक पहुँच जाए। अगर मरीज तक पहुँच गए समय से और मरीज़ समय से अस्पताल पहुँच गया तो निश्चित रूप से मॉर्टेलिटी डाउन हो जाएगी, कोई मृत्यु नहीं होगी। अगर मृत्यु नहीं होगी तो निश्चित रूप से हम सफल होंगे। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग ने मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों की रोकथाम के लिए कोविड मॉडल को अपनाया है। मुख्यालय से मरीजों के परिजनों से बातचीत करके स्थिति की जानकारी ली जा रही है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव पार्थसारथी सेन शर्मा का कहना है कि डेंगू मलेरिया सहित अन्य बीमारियों की रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों का असर दिख रहा है। मरीजों को चिन्हित करने के साथ ही उनके उपचार की पुख्ता व्यवस्था की गई है, इसकी रोजाना निगरानी की जा रही है। लखनऊ से डेली इंसाइडर के लिए अभिषेक पांडे और अनुराग मौर्य की रिपोर्ट। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।